दुनिया ने हथियारों के विकास के क्षेत्र में भारत के क्षमताओं को लेकर जो आकलन किया था, भारत ने आज दुनिया के उन सभी अनुमानों को बहुत ही गलत साबित कर दिया। सबसे पहले तो हमारे पड़ोसी दुश्मन चीन ने 2018 में भारत को लेकर उस समय बड़ा दावा किया था, जब पीएम मोदी 2018 में एमका जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने और स्वदेशी हथियारों के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता को मजबूत बनाने जैसे ऐलान कर रहे थे। चीन ने कहा था कि भारत में सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों के निर्माण का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी मजबूत नहीं होगा। वहीं जब भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने की बातें कही, तब चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि जिस भारत में सरकार के समर्थन वाली सरकारी डिफेंस कंपनियां घुटनों पर है, वहां प्राइवेट कंपनियों के डिफेंस में आने जैसी बातें करना भारत की सबसे बड़ी भूल है। यानी कि हमारे पड़ोसी चीन ने भारत की क्षमताओं का हमेशा मजाक उड़ाया, लेकिन आज इसी भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने बहुत ही घातक हथियार बनाकर दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल चेन्नई स्थित बिग बैंग बूम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत ही घातक वज्र स्ट्राइक नाम का हथियार बनाया है। वज्र स्ट्राइक जो कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, यानी कि यह एक प्रकार का लेजर हथियार है, और यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि लेजर हथियारों के क्षेत्र में चीन से लेकर अमेरिका की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां काम कर रही हैं, और ऐसे पुराने अनुभवी और बड़ी कंपनियों को भी उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली। लेकिन अब भारत की बिग बैंग बूम सॉल्यूशन जैसी कंपनी ने लेजर हथियारों के क्षेत्र में भारत के ताकत को दिखा दिया। बता दे कि यह कंपनी इससे पहले एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए भी भारतीय सेना से 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुकी है, और भारत की इसी प्राइवेट कंपनी ने वज्र स्ट्राइक जैसा लेजर हथियार बनाकर भारत के रक्षा क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। बता दे कि भारतीय सेना के अधिकारी वज्र स्ट्राइक लेजर वेपन की सफलता से काफी प्रभावित हैं, और भारतीय सेना के अधिकारियों का प्रभावित होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की इस कंपनी ने एक अच्छा और उम्मीदों के मुताबिक लेजर वेपन बनाया। बता दे कि बिग बैंग बूम सॉल्यूशन कंपनी सैकड़ों की संख्या में झुंड में आने वाले ड्रोन हथियारों के विरुद्ध भी एक प्रभावी एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, जो एक ही बार में सैकड़ों झुंड में आ रहे ड्रोन को मार गिराने में भारत की क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेगा। लेकिन यह पूरी खबर इस बात का सबूत है कि अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया के दिग्गज डिफेंस कंपनियों को टक्कर देने में सक्षम हैं।